फ्रेंड्स, वेलकम टू खूबसूरत किचन। दिस इज उर्वशी। आज एक नई रेसिपी के साथ आए हैं फ्रेंड्स हम। आज हम बनाएंगे फ्यूजन रेसिपी। ये हम बनाएंगे सॉसेज के साथ में। सॉसेज आपने बहुत खाया है, कॉन्टिनेंटल आइटम में ब्रेकफास्ट में खाया होगा। आज इसे हम लंच या डिनर में भी खा सकते हैं। हम बनाएंगे सॉसेज मसाला, इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है फ्रेंड्स। आप ज़रूर से मेरी रेसिपी में आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ज़रूर से शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है तो ज़रूर बनाइएगा। चिकन सॉसेज हम ले लेंगे फ्रेंड्स। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम सॉसेज को फ्राई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे हम और उसमें हम सॉसेज को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक रेसिपी है फ्रेंड्स। तो जरूर बनाएं और हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा मेरी रेसिपीज। और मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। चिकन सॉसेज अच्छे से फ्राई हो गए, हमने प्लेट में निकाल लिया फ्रेंड। अब इसे हम काट लेंगे। हम इस तरह से काट रहे हैं, आपको जो भी शेप पसंद हो आप वैसे काट सकते हैं। इसी तरह से हम सारे सॉसेज को काट लेंगे। 2 टेबलस्पून हम ऑयल ले लेंगे फ्रेंड्स और हम 1/2 टीस्पून जीरा ले लेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज को हम चॉप कर लेंगे। जीरे को हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जीरा फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें चॉप ओनियन को डाल देंगे। हम 2 जन के हिसाब से बना रहे हैं, 2 पर्सन के हिसाब से। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। प्याज को फ्राई कर लेंगे। वन टीस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हम डाल देंगे। प्याज लहसुन अदरक को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन ही करेंगे। 1 बड़े टमाटर को हमने चॉप कर लिया। प्याज अब अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को डालने के बाद हम कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाले हम ले लेंगे जिसमें हमने लिया है हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, जीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। सारे मसाले हमने 1/2 टीस्पून लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सॉसेजेस में अपना नमक रहता है तो हमें इस रेसिपी में बहुत ज्यादा नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मसालों को हम टमाटर और प्याज के साथ में अच्छे से भून लेंगे कुछ देर के लिए। चॉप करके हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे। जब हमारा मसाला 50% के आसपास भुन जाएगा तब इसमें हम सॉसेज डाल देंगे। मसाला भी और सॉसेज में भी दोनों अच्छे से हमारा फ्राई हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों को मिला के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि ये हम सॉसेज मसाला बना रहे हैं, इसमें हम एकदम भी पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। अब कुछ देर के लिए हम कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के आसपास हमने कवर करके रखा था। अब बस 2-3 मिनट और हम रखेंगे। अब सॉसेज मसाला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। इसे आप रोटी के साथ, परोठे के साथ, इवन पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। अब सॉसेज मसाला को हम सर्व कर देंगे। सॉसेज मसाला हमने सर्व कर दिया फ्रेंड्स।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जरूर आप बनाएं और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा। हमने थोड़ा गार्निश कर दिया है धनिया पत्ती के साथ में। बनने के बाद कैसा दिखता है फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। फ्रेंड्स हमने इसे प्रेजेंट किया है तहारी के साथ। तहारी का रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा और प्लस गार्लिक फ्राई गार्लिक का भी है, वो भी आपको मेरे चैनल में रेसिपी मिल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग लगता है फ्रेंड्स खाने में। 30 मिनट्स में फ्रेंड्स आप दोनों आइटम बना सकते हैं, सॉसेज एंड तहारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।